नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। देखें पत्रकार नगर से कौशल कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग ये खेत का तमनी कर रहे हैं, धान का बिचरा गिराने के लिए। सुबह बिहार में लगातार 38 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। आज 23 तारीख है और सुबह बिहार में सुखाड़ की स्थिति बन गई है। और सुखाड़ में स्थिति यह है कि बारिश कहीं नामो निशान नहीं है, धान का बिचरा नहीं गिर रहा है। राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार को, सूबे बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे और किसानों को डीजल अनुदान डायरेक्ट खाता में दे, पर्चा पे नहीं, जो डीजल खरीदे उसको डायरेक्ट खाता में दे। और फसल क्षति नहीं हो पाया, सूखा रह गया खेत। आप देख सकते हैं ये परती कदीम बना हुआ है, परती बना हुआ है, जोत करके हम लोग रखे हुए हैं, एक भी बिचरा नहीं गिर पाया है। सभी किसान लोग हैं, आदरणीय मोहन यादव जी हैं और ये सारे लोग हैं। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और सुखाड़ क्षेत्र का मांग कर रहे हैं। पूरे बिहार सुखाड़ में है। नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि जो खेत में खेती नहीं हो पाया, रोप नहीं हो पाया, खरीफ फसल हमारा नहीं लग पाया, उसके लिए फसल मुआवजा भी दे। और डीजल अनुदान तो देता ही है, हर खेत में बिजली अभी तक नहीं लग पाया है, बिजली लगाने का सुनिश्चित व्यवस्था हो। और बिहार किसान मंच हम ये मांग करते हैं कि सूबे बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे। मैं धीरेंद्र सिंह टुडू, प्रदेश अध्यक्ष बिहार किसान मंच। देखिए